हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों डेली बेसिस की तरह आज भी दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं, जो कल इंट्राडे मार्केट में आपको ज़ोरदार धमाका देने वाले हैं मंडे को। ये दोनों स्टॉक दोस्तों प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के रूप में अपडेट किए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल और एक एजुकेशन पर्पज से भी होने वाला है। और साथ में पहले मार्केट का अपडेट दे देता हूँ। तो आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली मार्केट में, और मार्केट 17,530 रुपये के आसपास क्लोज हुआ। उसके साथ ही आप देख सकते हैं मार्केट में खाली दो स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, 48 स्टॉक हमें नेगेटिव देखने को मिले, जिसमें से आप टॉप गेनर की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं और साथ में टॉप लूजर की लिस्ट भी यहाँ पर देख कर चल सकते हैं। तो इन्हीं में से दो बेहतरीन स्टॉक है जो हमें जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले इंटरडे मार्केट में मंडे को। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड का। अदानी इंटर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1.25% की गिरावट के साथ स्टॉक 3705 रुपये पर क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज था 3748.70, स्टॉक ओपन होता है 3755 रुपये, हाई लगाता है 3866.95 और लो लगाता है दोस्तों 3614.60। इसके साथ स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं 56,87,000 क्वांटिटी का हमें देखने को मिल रहा, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें स्टॉक में देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। उसके साथ ही अब आगे के लिए क्या है दोस्तों, वो इसके टेक्निकल चार्ट पे चल के समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी इंटर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और 15 मिनट का कैंडल चार्ट लगाया। अब अदानी इंटर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार तरीके से ये ऊपर ही ऊपर जा रहा था। अब ऊपर जाने के बाद जैसे कि यहाँ से फेल हुआ एक बार, फिर दूसरी बार भी इंट्राडे में वहीं पर जाके फेल हुआ। फेल होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ से पूरा बाय सिग्नल प्रोवाइड करा था। जैसे ही दोस्तों वो यहाँ से गिरना चालू हुआ, उसके बाद उसने यहाँ से सेलिंग प्रेशर का जो सिग्नल है वो प्रोवाइड किया, उसके साथ ही आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे आया, ठीक है, मतलब इंडिकेटर ने जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार से दोस्तों क्या हुआ, ट्रेड हुआ। ऊपर गया तो इंडिकेटर अभी सिग्नल अपना दोस्तों अभी सेलिंग वाला ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है या रिजेक्शन आप बोल सकते हैं 3700 का, अगर ये ब्रेक होता है तो स्टॉक और भी नीचे आ सकता है, ठीक है, या दोस्तों और ऊपर जाना है तो 3800 का लेवल इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि 3800 रुपये के लेवल से दोस्तों स्टॉक में सेलिंग प्रेशर कन्वर्ट हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं दो बार, और थर्ड टाइम में दोस्तों इंडिकेटर ने जो अपना सिग्नल है वो प्रोवाइड कर दिया सेलिंग वाला, जिसके साथ ही काफ़ी बड़ी गिरावट आती है स्टॉक में, रिकवरी की कोशिश होती है। लेकिन दोस्तों लास्ट के जो तीन कैंडल हैं आप देख सकते हैं बिना वॉल्यूम के कैसे बन रहे हैं, मतलब लास्ट के तीन कैंडल, लास्ट के 45 मिनट में स्टॉक में कुछ भी दम हमें नहीं देखने को मिलता। मतलब अगर स्टॉक में कुछ भी दम नहीं है लास्ट के तीन कैंडल में, हल्का सा मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है, हल्का सा स्टॉक के ऊपर प्रेशर आता है, तो ये सब क्या होंगे दोस्तों, ये गिर जाएंगे, ठीक है, और काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि उसके बाद सेलर भी इसमें क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो स्टॉक को शॉर्ट करके चलेंगे, क्या है लेवल वो अपडेट कर देता हूं। तो दोस्तों इसके लेवल की अगर मैं बात करता हूं, अगर हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो आराम से इसको दोस्तों 3680 से शॉर्ट करेंगे। 3700 रुपये का लेवल आराम से ब्रेक हो जाने दीजिए, फिर 3700 रुपये के लेवल जैसे ही ब्रेक होगा वहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लीजिए। 3680 का लेवल मिलेगा हम शॉर्ट करेंगे, और 3660 का हमारा टारगेट ले लेंगे 20 पॉइंट का, जो आराम से हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपडेट कर देता हूं मैं आप लोगों को। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्रॉफिट गुरु एफएंडो कॉल का टेलीग्राम चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर से बेहतरीन आप लोगों को ऑप्शन के कॉल प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों हमने बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, पुट बाय करवाया था 40,500 का, जिसमें 30 पॉइंट का धमाकेदार टारगेट हिट हुआ। फिर उसके साथ इंडसलैंड बैंक का कॉल दिया था, इंडसलैंड बैंक में दोस्तों टारगेट तो हिट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जो 65 पैसे है उसमें हमने क्या किया था, हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया था, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, और हमारा जो टारगेट है वो नीचे आने के बाद यहाँ पर बुक हो गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1:48 पर। मतलब दोस्तों डेली बेसिस पर ऐसे बेहतरीन लेवल दिए जाते हैं जहाँ पर आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। साथ में ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प सेंटर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रही है, जैसे टेक्निकल की, स्विंग ट्रेड की, लॉन्ग टर्म की, ठीक है, पेनी स्टॉक की, इंट्राडे की, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी चीज़ आपको पूछना है, तो आप इस टेलीग्राम को जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का आईडी मिलेगा। आप वहाँ पर
अपनी जो समस्या है वो बता सकते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा आपकी समस्या को दोस्तों पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा और इसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब आप इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्री में दोस्तों, ठीक है, अपना नॉलेज बढ़ाने में और अपना पैसा बढ़ाने में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसके SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL लेके चलेंगे 3690 का, ठीक है। हमें पूरा ट्रेडिंग जो है दोस्तों वो 3700 रुपये के लेवल को ब्रेक करने के बाद 3600 के रेंज में करना है। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टॉक है उसका नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 2.5% की गिरावट के साथ स्टॉक 3313.25 रुपये पर क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज था 3395.40 रुपये। स्टॉक ओपन होता है 3412.40 रुपये, हाई लगाता है 3420 रुपये के आसपास और लो लगाता है 3309.55 रुपये के आसपास। इसके साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों जो स्टॉक का वॉल्यूम है वो लगभग 16 लाख क्वांटिटी का हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टॉक में ट्रेडिंग हुआ था। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, कल के लिए क्या मोमेंटम मिलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एशियन पेंट का चार्ट पैटर्न ओपन किया है मैंने आप लोगों के सामने, और एशियन पेंट में इस लेवल से गिरावट चालू होती है, ठीक है, जहाँ से पहले ही सिग्नल मिल चुका था दोस्तों सेलिंग का। तो स्टॉक दोस्तों क्या होता है, आने के बाद इस लेवल को सस्टेन करता है थोड़ी देर तक, ठीक है, और यहाँ से जैसे स्टॉक में ब्रेकडाउन आता है लगभग 3400 रुपये के लेवल के आसपास से स्टॉक में सडनली गिरावट आती है, रिकवरी की कोशिश होती है लेकिन 3550 रुपये के लेवल को सपोर्ट बनाता है, रिजेक्शन बनाता है और फिर वहाँ से बैक टू बैक दो बड़े बड़े कैंडल हमें देखने को मिलते हैं ग्रीन वाले। मतलब ये जो सिग्नल है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। सुपर ट्रेंड अगर आप इंडिकेटर लगाते हो चार्ट पैटर्न पे तो जब सिग्नल मिलने लगता है दोस्तों तो आराम से दोस्तों आप वहाँ पर पोजीशन क्या कर सकते हैं अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ऊपर का ग्रीन के सिग्नल दे रहा है तो आप बाय करके चल सकते हो, अगर रेड सिग्नल दे रहा है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट करके चल सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में दोस्तों 15 तारीख को 16 तारीख से पहले से ही दोस्तों क्या आ रहा था, सेलिंग प्रेशर का सिग्नल आ रहा था। स्टॉक यहाँ से गिरना चालू हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से कल से गिरना चालू हुआ और स्टॉक में काफ़ी बड़ी क्या हुई दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग आ गई लगभग 100 से 150 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। तो इस हिसाब से हम स्टॉक को क्या करेंगे, शॉर्ट करके चलेंगे क्योंकि अभी भी स्टॉक का जो फेस है वो हमें नीचे का ही देखने को मिल रहा है। तो आराम से स्टॉक में जो गिरावट है वो बड़ी भी हमें देखने को मिल सकती है, तो स्टॉक को भी शॉर्ट करेंगे, क्या है लेवल वो अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से लेवल्स को नोट करिएगा, कल की डेट में दोस्तों वो मंडे का दिन अगर ये स्टॉक हमें मिलता है दोस्तों लगभग 3290 से, तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे दोस्तों 3270 का टारगेट लेंगे और लगभग 3300 का हम SL लेंगे। इसमें भी 20 पॉइंट के हिसाब से क्या करेंगे, टारगेट रखेंगे और 10 पॉइंट का SL रखेंगे। तो ये दो बेहतरीन इंटरडे की टिप्स है दोस्तों मंडे के लिए, अदानी इंटर और एशियन पेंट का, जो हमें जोरदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं इंटरडे मार्केट में। हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस था हमने शेयर कर दिया, आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है आप उसे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करिए, या आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर है आप उनसे कंसल्ट जरूर करिए। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, हमने जो भी लेवल पर टारगेट दिया दोस्तों आप उनका बिल्कुल भी वेट ना करें। कभी कभी क्या होता है 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये से टारगेट मिस हो जाता है, जिसके कारण स्टॉक दोस्तों रिवर्सल देखिए या तो कॉस्ट पे आ जाता है या कॉस्ट के भी नीचे चले जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि दोस्तों आप लोग टारगेट से पहले ही अपने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, वो प्रॉफिट आपको 2 पॉइंट का मिल रहा हो, 4 पॉइंट का मिल रहा हो या 10 पॉइंट का मिल रहा हो, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए एक धमाकेदार अपडेट। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पर से बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।